बड़े साइज एसयूवी की बात करें जो कि इंडिया के टॉप लीडिंग एसयूवी रह चुका है, टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड की एंडेवर, ये दोनों के साथ कंपीट करने के लिए ह्यूंडई भी एक गाड़ी लॉन्च करने वाली है जो कि एक प्रीमियम सा 7 सीटर एसयूवी होगा जो कि इंडिया के मार्केट में ये दो गाड़ी को काफ़ी बड़ा टक्कर दे सके। तो इसको टक्कर देने के लिए मुझे लगता है ह्यूंडई लॉन्च करने वाला है ह्यूंडई की सेंटा फी। गाड़ी की एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन है, BMW जैसे फीचर्स भी गाड़ी के इंटीरियर पे आपको मिल जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गाड़ी के लुक्स, फीचर्स, प्राइस और इंडिया में ये गाड़ी कब तक लॉन्च हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बात करें ह्यूंडई सेंटा फी 7 सीटर प्रीमियम लेवल की एसयूवी है कि ये इंडिया के मार्केट में काफ़ी जल्द लॉन्च हो सकता है क्योंकि टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर को कम्पीट करने के लिए ह्यूंडई कई दिनों से एक गाड़ी को लॉन्च करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। मुझे लगता है ये 7 सीटर सेंटा फी को इंडिया के मार्केट में लॉन्च करेगा। इसके लुक्स की बात करें गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, हालांकि ह्यूंडई अपने लुक्स को काफ़ी ज़्यादा चेंज अभी अभी कर रहा है। गाड़ी पूरा नए डिजाइन में अभी लॉन्च भी हो चुका है। गाड़ी की एक्सटीरियर की बात करें फ्रंट में आपको एक बड़ा सा ग्रिल मिल जाता है जो कि पूरी तरह क्रोम फिनिशिंग के साथ आता है। उसके साथ साथ टी सेफ LED DRLs मिलता है जो कि स्प्लिट DRL है। ये ह्यूंडई के अभी अभी जितने सारे गाड़ियां हैं उसमें दो दो DRLs दिया जा रहा है स्प्लिट। ये काफी अच्छा लगता है, फ्यूचरिस्टिक है। गाड़ी पहले में जो दिखता था ये कंप्लीटली न्यू लुक के साथ इंडिया के मार्केट में आएगा और ये इसके 2021 मॉडल काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है। उसके साथ साथ साइड प्रोफाइल की बात करें यहाँ पे आपको 18 इंच का व्हील्स मिल जाएगा, हो सकता है उसके ऊपर भी चला जाए या 19 इंच का व्हील्स मिल जाए। ग्लोबल मार्केट में हालांकि 20 इंच का व्हील्स मिलता है जो कि इंडिया के मार्केट में वो कोई कुछ काम का नहीं होगा क्योंकि इंडिया के सड़कों की वजह से यहाँ पे हाई प्रोफाइल की व्हील थोड़ा चाहिए होता है, छोटा व्हील चाहिए होता है। और पीछे के साइड की बात करें न्यू डिजाइन ह्यूंडई टेल लैम्प आपको मिल जा रहा है। ये कंप्लीटली LED टेल लैम्प है जो कि कनेक्टेड है, बीच में आपको एक लंबा सा टेल लैम्प मिल जा रहा है जो कि सभी गाड़ियों में आपको देखने को मिल रहा है, A20 देखने को मिल जा रहा है। और उसके बाद बात करें इंटीरियर की, इंटीरियर काफी बेहतरीन है। इसके इंटीरियर की फिट एंड फिनिशिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, जितना सारा मैं रिव्यू ग्लोबल मार्केट के देख चुका हूँ। इसके इंटीरियर मुझे उस लेवल के लग रहा है जैसे कि मर्सिडीज बेंज जैसे लेवल की या BMW ऑडी जैसे लेवल की लग रहा है। हालांकि ये जो इंटीरियर आ रहा है ये दो कलर पे जो दिख रहा है ब्लैक एंड बेज, ब्लैक एंड ब्राउन कलर, ये दो कलर पे आपको गाड़ी अवेलेबल रहेगा। ये दो कलर पे मुझे ये बिल्कुल मर्सिडीज जैसे फील आ रहा है। इसके इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। ये गाड़ी ड्राइवर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आपको फुल्ली डिजिटल एक कॉम्पैक्ट मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको 10 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है जो कि होंडा की अभी जितने सारे गाड़ियां आ रहे हैं उनमें सब में आपको 10 इंच की टचस्क्रीन मिल रहा है, चाहे लो बजट की गाड़ी हो या हाई बजट की। तो यहाँ पे आपको फीचर्स के नाम पे यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जिसमें आपको मोबाइल से गाड़ी को कई सारे फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ 12 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल रहा है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है और इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाते हैं। उसके साथ साथ ये काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। बड़ी गाड़ियों में जैसे फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है उसी तरह कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। गाड़ी में आपको गियर नॉब नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको बटन सिस्टम मिल रहा है। जी हाँ, बटन गियर सिस्टम आपको यहाँ पर मिल रहा है। पार्किंग ब्रेक भी आपको बटन वाला मिलेगा। यहाँ पर गाड़ी में आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रैक्ट ऑफ रोडिंग फीचर भी आपको मिल रहा है। गाड़ी में आपको बोथ हीटेड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट आपको भी मिल जाएगा। गाड़ी की इंटीरियर की स्पेस काफ़ी बेहतरीन है, चाहे बात करें सेकेंड रो की या थर्ड रो की, अच्छा खासा लेग रूम, हेड रूम आपको मिल जाता है। थर्ड रो पे भी आराम से 2 जन बैठ सकते हैं, अच्छा खासा हेड रूम लेग रूम आपको मिल जाएगा। 3 जन भी आप थोड़ा दिक्कत के साथ
पीछे की सीट पे भी बैठ सकते हैं। गाड़ी की इंटीरियर की स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। गाड़ी में आपको एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और पीछे पे भी आपको अच्छा खासा एसी वेंट्स मिल जा रहे हैं, और पीछे पे भी आपको अच्छा खासा कूलिंग मिल जाएगा। सेफ्टी की बात करें, गाड़ी में 8 एयरबैग्स मिल सकता है। जी हाँ, टॉप एंड वेरिएंट में 8 एयरबैग्स मिल सकता है, और कई सारे सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में मिल सकता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीपल ड्राइविंग मोड, 4x4 का ऑप्शन यानी कि फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी गाड़ी में आपको मिल जाएगा। इंजन की बात करें, ग्लोबल मार्केट में 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी आता है, जिसमें आपको 200 हॉर्स पावर का पावर मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और ये सेगमेंट में अगर ये गाड़ी फॉर्च्यूनर एंडेवर के जैसे गाड़ियों के साथ लॉन्च करे तो इस पर कई अच्छा खासा पावर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। 440 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की। गाड़ी इंडिया के मार्केट में एक्सपेक्टेड है 30 से लेकर 36 लाख की प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च होगा। मुझे लगता है थोड़ा सा कम प्राइस रेंज में, यानी कि इसके बेस्ट रेंज की प्राइस 30 लाख से नीचे भी आ सकता है। आपको किस प्राइस रेंज में आना कंफर्टेबल रहेगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग की बात करें, एंड ऑफ 2021 या इयरली 2022 ही इस गाड़ी को हम इंडिया के मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी आना ही आना है, क्योंकि ये इंडिया ही कई दिनों से प्लान कर रहा है एक 7-सीटर एसयूवी, जो कि राइवल होगा फॉर्च्यूनर एंडेवर जैसे गाड़ियों के साथ। तो ये सैंटा फे को इंडिया के मार्केट में जरूर लॉन्च करने वाला है। आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे से नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स को ऊपर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल द टेक केयर, विश सेफ, बाय बाय।